नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग स्वागत है हमारी इस ऑथोरिटीज यूट्यूब चैनल में। आज की महा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है नेपाल से, आया भारत के लिए महा ब्रेकिंग न्यूज, जिसमें जो है मैं आपको बताऊंगा क्लेनफीड, जो कि क्लेनफीड के लेकर के ये वीडियो बनाई गई है। और क्लेनफीड जो है अब नेपाल में लागू होने जा रहा है, इससे भारत को क्या होगा और क्लेनफीड किसको कही जाती है और क्लेनफीड से नेपाल को क्या फायदे होगी, इसी के लेकर हम आज आपको इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो है, आपको मैं बता दूँ, क्लेनफीड जो है कोई भी भारतीय चैनल जो है नेपाल में दिखाई जाती है, आपको मालूम ही होगा, जैसे कि स्टार प्लस, जी अनमोल, बहुत सारे चैनल जो है नेपाल में भी दिखाई जाती है भारत का। तो भारत सरकार का जो है यहाँ पर जो है हर एक चैनल, इंडिया की चैनल जो है नेपाल में दिखाई जाती है, वो क्यों ना केबल ऑपरेटर हो या इंटरनेट से चलने वाला वेब हो या कोई भी आईपी, या उसमें आपको चले इंटरनेट से चलने वाला, वाईफाई से चलने वाला जो नेटवर्क्स हो वगैरह होती है एंड्रॉयड बॉक्स में और फ़ोन में, भारत की चैनल जो है आप देख सकते हैं और डिश होम में भी देख सकते हैं, डीटीएच प्लेटफॉर्म में भी। तो भारत का चैनल जो है नेपाल में दिखाई जाती है और भारत का जो है कोई भी प्रोडक्ट, यानी कि मान के चले कोई भी, जैसे कि माउंटेन ड्यू आप देखे ही होंगे, माउंटेन ड्यू का प्रचार वगैरह आती है, उसी को जो है हमारे नेपाल में जो है आप नहीं दिखाई जाएगी। जैसे कि आपको बता दे, कोई भी मूवी देखते हैं या कोई भी सीरियल देखते हैं या कोई भी न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ का चैनल, कोई भी चैनल भारत का देखते हैं नेपाल में, या नेपाल का ही चैनल देखते हैं नेपाल में, तो ये नेपाली चैनल को लेकर नहीं है, पर ये भारत का चैनल का है प्रॉब्लम। और कोई भी भारत का चैनल जो है नेपाल में दिखाई जाती है तो उसमें जो है एड आती है, एड प्रचार, और प्रचार आती है तो उसमें बताई जाती है कभी कभार जो है शैम्पू, साबुन, घड़ी, डिटर्जेंट पाउडर आप देखे ही होंगे, और बहुत सारे एड वगैरह जो है आती है, प्रचार 2 मिनट का हो या 1 मिनट का हो या 10 सेकेंड का हो, पर आती है। तो अब जो है नेपाल में वो नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि नेपाल में भी उसी का यहाँ पर भी डीलर वगैरह जो है होती है, उसी ने जो है आप नेपाल में ही खुद वहाँ पर एड देने के लिए जो है चैनल को बोलेंगे तो ही एड आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और वो एड से क्या होगा कि यदि आप भारत का कोई भी चैनल देखते हैं तो उसमें एड आती है, तो वो एड जो है दिखाने पर जो है चैनलों वाला ने पैसे लेती है वो कंपनी से, जो भी कंपनी होती है, तो उस कंपनी से पैसे लेती है, तो उस कंपनी का जो है एड अपने चैनल में दिखाती है, तो एड जो है हम देखते हैं और हम जाकर खरीदते हैं। तो इसी प्रकार से जो है आप नेपाल में वैसा नहीं होगा, आपको मालूम हो चुका है, बहुत सारे बंदे को तो मालूम हो चुका है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि अब जो है ये क्लीन फीड अब जल्द ही लागू होने जा रहा है नेपाल में, 8 कार्तिक 8, यानी कि इसी अक्टूबर 24 या 25 तारीख को जो है यहाँ पर एड हो जाएगा, और हो भी सकता है जल्द ही हो जाए। और इसमें जो है एड यदि ये चीज़ हो जाती है नेपाल में, तो नेपाल को 2 करोड़ की, नेपाल को जो है 2 करोड़ की फ़ायदे होगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो भी एड चलाएगी उसने चैनल को पैसे देना होगा, तो वो पैसे जो है सरकार की भी होगी, और इसमें जो है बहुत सारी विकास भी हो सकती है नेपाल की। तो बात यही है कि अब जो है हम कोई भी चैनल हिंदी या भारत का चैनल देखते हैं तो उसमें जो है अब फिलहाल एड नहीं आएगा और एड प्रचार वगैरह नहीं आएगी, और आती भी है तो वो नेपाल से आएगी। यही छोटे से इंफॉर्मेशन लेकर आया था
फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे और प्रेडिस चैनल के साथ।